नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जो HAS है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एग्ज़ाम है उनके लिए हिमाचल जीके के जो प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेके आ रहे हैं। यह है एग्ज़ाम बूस्टर नंबर 5, वो क्वेश्चन आपके आगे लाए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके आगे फ्यूचर में एग्ज़ाम के अंदर आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि मंडी की रानी सुल्ताना देवी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन है, रघुनाथ, शिवजी, तारना या त्रिलोकनाथ। तो जो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी 10 सेकेंड में सोच लीजिए और इसका आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी त्रिलोकनाथ। जो सुल्ताना देवी वहाँ की थी, मंडी की रानी, उन्होंने यहाँ पे त्रिलोकीनाथ टेम्पल बनवाया था। अब हम चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2012 में स्थापित राजा जगत सिंह संग्रहालय जो कि राजा जगत सिंह के म्यूजियम है, ये कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपको पता ही होगा जो राजा जगत सिंह थे वो कहाँ के फेमस किंग थे, वो तो नूरपुर के थे। दैट्स वाई इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, नूरपुर। तो आप देख लेना और लास्ट में जरूर कमेंट करना कि आपके टोटल 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, यहां तक कि UPSC में भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कांगड़ा शैली है, कांगड़ा कला शैली का प्रादुर्भाव किस शैली से हुआ, मतलब किस शैली से कांगड़ा शैली बनी। अगर हम बात करें यहां पर, इसमें देखिए दो क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पुरानी शैली कौन सी है और कांगड़ा शैली का प्रादुर्भाव किस शैली से हुआ। तो ये दोनों ही डिफरेंट क्वेश्चन है। तो आपके आगे 10 सेकेंड, आप जल्दी बताइए इसका आंसर क्या, मन में सोच लीजिए। तो जो कांगड़ा शैली आई, ये आई कहाँ से, ये आई आपका ऑप्शन डी, गुलेरी शैली से, गुलेरी आर्ट से। तो डी इज द राइट आंसर। लेकिन अब बात की जाएगी कांगड़ा में या हिमाचल में सबसे पुरानी शैली कौन सी है, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बशोली शैली। तो ये चीजें थी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन मलाना क्रीम, जी हाँ, ऑपरेशन जो मलाना क्रीम है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए, भांग की खेती को नष्ट करना, सबसे पुराने लोकतंत्र को निखारना। जी हाँ, आपको पता होगा जो मलाना है वो सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, वहाँ पे जमलू देवता है जिनकी परमिशन के बिना उस गांव में कोई एंट्री नहीं कर सकता मलाना में। और ऑप्शन सी है, मलाना में जल विद्युत परियोजना लगाना। और डी, मलाना क्षेत्र में आर्थिक प्रगति को नई दिशा देना। तो आप सभी को पता होगा तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि भांग की खेती के लिए, चर्स के लिए या फीम के लिए बहुत ही ज़्यादा बदनाम एरिया है, तो उनमें से एक ये भी आएगा। तो इसका जो ऑपरेशन मलाना क्रीम है, इसका ऑप्शन ए है, भांग की खेती को नष्ट करना। तो ये दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण की बिलासपुर इकाई की स्थापना कब की गई थी। तो आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप जल्दी से जल्दी सोच लीजिए। चलते हैं फिर अपने हम इसमें क्वेश्चंस की ओर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, 1987 में साई की जो यूनिट है वहाँ पे एस्टैब्लिश की गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 2000 में किस स्थान पर 400 साल पुराना मदर ट्री, जी हाँ 400 साल कितना ओल्ड होगा, 4 सदियाँ लग गई इसके अंदर अगर बात की जाए, 4 सेंचुरी। तो मदर ट्री है जो वो धाराशाही हो गया, तो ये किस जगह पर था। तो इसमें कैसे घुमा फिरा क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो टाइप के पेड़ थे, मतलब दो टाइप का बात करूंगी, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला, इसने क्वेश्चन पूछ लिया वो किस प्लेस पर है, दूसरा वो किस कौन सा पेड़ था या उसकी नस्ल क्या थी। अगर हम बात करें तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से ऑप्शन बी, खजियार। जी हाँ, वो देवदार का पेड़ था जो कि हिमाचल का राजकीय वृक्ष भी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धिलखड, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्धिलखड का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए, बारालाचा पास, बी, मणिमहेश, सी, उन्ना और डी, लाहौल। तो इसका जो आंसर आएगा बुद्धिलखड, इसका जो उद्गम स्थल है वो है ऑप्शन, सोच लीजिए आप जल्दी, ऑप्शन बी, मणिमहेश। तो मणिमहेश में बुद्धिलखड का उद्गम होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं नायब तहसीलदार में 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, अर्धगंगा कहाँ है? जी हाँ, अर्धगंगा की बात की जाए, आप सोच सकते हो कि अपने आप में एक बहुत ही फेमस है ये, अर्धगंगा कहाँ है? ऑप्शन ए भरमौर, नगरोटा, रुदिया या जाहू। जी हाँ, जो इसका बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए भरमौर। भरमौर कहाँ पर है? भरमौर है आपका चंबा में। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अर्धगंगा आपको वहीं मिलेगी। बंगाणी स्थल किस जिले में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगे क्यों लाया हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसकी आंसर आप जो सोच रहे हैं वही मारेंगे, लेकिन वो इसका आंसर नहीं है। तो पहले मैं इसको ऑप्शन देता हूँ, ऊना, सिरमौर, बिलासपुर और शिमला। चलते हैं, अब इसका 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप सोच लीजिए जल्दी। अब हम चलते हैं इसके आंसर की ओर। अब देखिए, इस बंगाणी स्थल की बात करें तो मैक्सिमम जो बच्चे आंसर मारेंगे वो मारेंगे ऊना में, ठीक है, ऊना में। लेकिन जो आप जगह मारोगे ऊना के, सोचो वो बंगाणा है, राइट। लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी सिरमौर। बंगाणी की लड़ाई भी बहुत फेमस थी, आपको पता होगा, तो आप जरूर इसका सिरमौर ही किया होगा आपने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, सत्यानंद स्टॉक्स सबसे पहले अमेरिका टाइप के, इन्होंने अमेरिकन टाइप के एप्पल्स लगाए थे, तो कहाँ लगाए थे ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। आप चलते हैं इनकी डेथ की ओर। जी हाँ, अगर सत्यानंद स्टॉक्स की बात की जाए, इनका नाम था ओरिजिनल सैमुअल स्टॉक्स करके था, जिसका बाद में हिंदू धर्म के अंदर धर्मांतरण हो गया इनका, और इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, सत्यानंद स्टॉक्स कर लिया। अब बात हुई इनकी डेथ कब हुई। देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ठीक इसके एक साल पहले डेथ हो जाती है इनकी 1946। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक ऐसे अगर मैं सरदार अजीत सिंह की बात करूं, जब आज़ादी हमको मिली 1947 में 15 अगस्त को, ठीक आज़ादी मिलने के 5 से 6 घंटे बाद उनकी डेथ हो जाती है, वो होती है डलहौजी में, जो कि भगत सिंह के चाचा थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुमार सेन क्षेत्र का मुख्य देवता, जी हाँ, वहाँ के जो मेन गॉड हैं वो कौन है कुमार सेन एरिया के? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी सी डी, इन चारों में जो इसका मेन आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कोकस्वार महादेव। कोकस्वार महादेव इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नीरथ, आप सभी को पता होगा, वन एंड ओनली सन टेम्पल इन शिमला दैट सिचुएटेड इन द नीरथ। तो नीरथ सूर्य मंदिर के बारे में सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, उल्लेख मिलता है, वो किसने दिया था? मार्शल, एच जे फ्रैंक, बीबी लाल या एट चिंसन? तो जी हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मार्शल। मार्शल इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने मुझे जरूर कमेंट में बताना है आप कितने क्वेश्चन ठीक हुए, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, एक तो हमारा इससे हमको इंस्पायर होंगे, ताकि हमें पता चले हमारा वीडियो कब तक कितने लोगों तक पहुँचा, कितने बच्चों को अच्छा लगा, और उससे भी बड़ी बात, हम जैसे कोई वीडियो डालते हैं इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम बूस्टर हैं, आप उनको भी जरूर देखिए, जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है अभी तक। और महात्मा गांधी टॉपिक्स में से जो टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी है, वो भी आप जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा हिमाचल के हर एग्ज़ाम के अंदर स्पेशली जो नोटिस दिया होता है एग्ज़ाम सिलेबस के अंदर, वो होता है टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, तो आप वहाँ से वो कवर कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए जिस भी बच्चे को चाहिए होगा, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, हम आपको फ्री PDF प्रोवाइड करवाएंगे, PDF फाइल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंजुम दर्रे के शिखर पर स्थित मंदिर किसको समर्पित है? जी हाँ, कुंजुम जो पास है ही, मैं बताता हूं आपको, ये आपको मिलेगा लाहौल एंड स्पीति में। अब बात आएगी कि कुंजुम दर्रे के शिखर पर मंदिर कौन सा है, या किस भगवान का मंदिर है, शिव, दुर्गा, विष्णु या गंगा? तो आप सोच सकते हैं कि किसका है, आप मन में सोच लीजिए जल्दी जल्दी। और अब हम बताते हैं इसका आंसर, वो आएगा आपका ऑप्शन बी दुर्गा। तो दुर्गा इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युत्से तथा जांस्कर नदियों का संगम भागा नदी के साथ किस स्थान पर होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और इसको और अच्छे आप ऊंचाइयों पर लेके जाइए और ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो युत्से एंड जांस्कर नदियों का संगम भागा नदी के साथ किस स्थान पर होता है? ऑप्शंस आर धारहा, जैमूर, तांदी या जेस्पा। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए दारहा। तो दारहा इज द राइट आंसर। युत्से और जांस्कर नदियों का संगम भागा नदी से धारा प्लेस पर होता है। सेकंड ऑप्शन,
बारालाचा पास जो है इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, पहले तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। ऑप्शन ए बी सी डी में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी 4883 मीटर। देखिए आपने एक चीज़ जरूर सीखनी है, वो क्या सीखनी है कि मीटर को फिट में कैसे बदलते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको उलझाने के लिए ऑप्शन जो है वो फिट में दे देगा और आपको मीटर में पता है तो फुट में नहीं पता, दैट्स वाई आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिए, तो आप इसको सीख लेना कैसे क्या करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाहौल का शक्तिशाली देवता गेफान का जन्म किस जगह पे हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए आपको आता है कि नहीं आता, आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो डोंट टेक एनी टेंशन, जस्ट वेट एंड वॉच आवर वीडियो। तो चलते हैं अब इसके आंसर की ओर, वो है आपका ऑप्शन बी शंशा, शंशा इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जिले में फेमस 20 महोत्सव मनाया जाता है, जी हाँ ये बहुत ही फेमस 20 फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस, ऑप्शन आर चंबा, हमीरपुर, उन्ना या किन्नौर। ठीक है तो इसका आंसर आएगा, देखो इस टाइप के जो फेस्टिवल ज़्यादातर ट्राइबल एरिया में ही सेलिब्रेट किए जाएंगे, तो इस ट्राइबल एरिया में भी आपके दो ऑप्शन आते हैं ए और बी, तो ए और बी में से बात की जाए तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी किन्नौर में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किन्नौर का फेमस दखरैन फेस्टिवल जो है वो कब मनाया जाता है, कहाँ से कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, आप जल्दी से जल्दी मन में सोच लीजिए, और जो इसका आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन सी जुलाई अगस्त में, जी हाँ जुलाई अगस्त में दखरैन फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा राजा घमनचंद को जलंधर दुआबा गवर्नर रिक्रूट कर दिया, नियुक्त कर दिया, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन है औरंगजेब, शाह शुजा, जहांगीर या अहमद शाह, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अहमद शाह। तो ये हैं चार आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चार ऑप्शंस में से अहमद शाह। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वजीर राम सिंह का संबंध, जी हाँ वजीर राम सिंह जो है उसका संबंध किस रियासत राज्य से था, ऑप्शन आर भाजी, कुल्लू, नूरपुर और रामपुर बुशहर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका नूरपुर, जी हाँ नूर जो वजीर राम सिंह थे वो नूरपुर रियासत से बिलोंग करते थे और यहाँ के सबसे फेमस राजा कौन थे, जगत। तो ये हैं आपके कुछ सब 20 टॉप 20 क्वेश्चन जो बहुत एक बार एग्जाम में पूछे गए और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने की इनकी पॉसिबिलिटी भी है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात इन क्वेश्चंस की वो ये कि आप जिस भी बच्चों को करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, चाहे वो तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए हो और चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए हो, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए या फिर अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए, हम आपको पीडीएफ फाइल सेंड करेंगे वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।